हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे धूम 4 के ऑफिशियल अनाउंसमेंट को लेकर। तो क्या है न्यूज़, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो जिन्होंने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्द से लाइक कीजिए, और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बॉलीवुड से टॉलीवुड से जुड़ी अपडेट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और शाहरुख खान से जुड़ी न्यूज़ आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, धूम 4 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होगा, उससे पहले जो 2-3 दिन पहले एक न्यूज आ रहा था कि 50th एनिवर्सरी ऑफ यशराज फिल्म्स, इस मौके पर एक फिल्म अनाउंस होगा जिसमें शाहरुख खान लीड रोल में नजर आएंगे। एक लव स्टोरी फिल्म होगी, एक रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म होगी जिसे डायरेक्ट करेंगे आदित्य चोपड़ा। यह न्यूज निकल के सामने आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ, यह जस्ट एक र्यूमर्स है, बट यह फिल्म बनेगा इसके चांसेस कम है, बहुत बहुत ज्यादा कम है। हो भी सकता है शायद ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए, फिल्म भी बन जाए, बट इसके चांसेस, मुझे लगता है कि इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो फ्रेंड्स, आप बात कर रहे थे धूम 4 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होगा, तो मेरे हिसाब से दो डेट इंपॉर्टेंट डेट है। एक है 27 सितंबर, ये एक आप लोगों को पता ही होगा कि यश चोपड़ा जी का बर्थडे है, तो इस मौके पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस मौके पर 27 सितंबर ऑन द ओकेशन ऑफ यश चोपड़ा बर्थडे, इस मौके पर धूम 4 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए। अगर नहीं होता तो 2 नवंबर ऑन द ओकेशन ऑफ शाहरुख खान बर्थडे धूम 4 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए।